नमस्कार, मैं मोहम्मद एजाज, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। मानवता को शर्मसार करने वाला घटना, 10 वर्षीय लड़की का रेप करके बसवारी में फेंका। शिवहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवहर के एक गांव में दरिंदगी का मामला शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के सामने है। दरअसल एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी, उसके शव को बागमती नदी के बांध के किनारे फेंक दिया गया है। घटना के बाद पुलिस शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी संतोष कुमार ने बताया है कि तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ ने नेतृत्व में एएफसीएल और डॉग स्क्वाड की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, घटना में जो भी दोषी होंगे उन्हें शीघ्र पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित के घर काफी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। जो घटना हुई है उसमें क्या अभी तक? आज सुबह में हम लोगों को सूचना मिली है कि तरियानी छपरा थाना अंतर्गत कुंडल गांव में एक 10-11 साल की बच्ची को हत्या करके उसका शव को फेंक दिया गया है। तो इस घटना के संबंध में हम लोग अभी पीओ को प्रिजर्व करके और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं और आगे FIR इसमें रजिस्टर किया जाएगा और जो भी इसमें घटना में शामिल अपराधकर्मी उनको चिन्हित कर गिरफ्तार करेंगे। सर, बच्ची के साथ कुछ किया भी गया क्या इसमें? अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, लेकिन डिटेल अभी हम लोग इंक्वेस्ट बनाएंगे इनका और महिला पुलिस पदाधिकारी आई हैं, लेकिन पहले अभी हम लोग पीओ को प्रिजर्व किए हैं FSL की टीम के लिए। FSL की टीम आकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह कर लेती है, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। घटना किस जगह की है? घटना ये तरियानी छपरा थाना अंतर्गत कुंडल गांव में घटना हुई है। ये घटना कल शाम में हमारे पंचायत के बिशंभरपुर सुगरादलपुर कुंडल कुंज बिहारी सहनी जी की एक बच्ची 9 साल की थी जो आई थी दशहरा का मूर्ति देखने, और उसके बाद से वो लड़की घर वाले के पास नहीं पहुँची। सुबह में हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जानकारी हुआ, गुमशुदा लापता का सूचना मिला, उसके आधार पर हम लोग उनके गार्जियन को फ़ोन किए, वो भी बताए कि नहीं इस तरह से है, हमारी बच्ची कल शाम से ही गायब है। मैंने कहा कि देखिए आप खोजिए और हम लोगों का भी जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उसके बाद एक घंटा के बाद हमको फ़ोन पर जानकारी मिली कि उस बच्ची का मतलब डेड बॉडी मिला है। कब पता चला आप लोग? सुबह में, अभी एक घंटा पहले। अच्छा, एक घंटा पहले पता चला कि डेड बॉडी बांध के किनारे है। तो हम लोग वहाँ से आए हैं, यहाँ आने के बाद जो स्थिति देखे हैं, शायद इस तरह की घटना हमारे पंचायत की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे प्रखंड स्तर में भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिला के वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, आदरणीय DGP महोदय से भी आग्रह करते हैं कि इसका विधिवत न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उसको पुलिस उसको पकड़े और तुरंत अविलंब उस पर स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा दर्ज करके फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। जिस तरह का घटना हुआ है ये समाज में अब कोई भी गार्जियन अपने बच्ची को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए यदि आप TV के जरिए इस न्यूज़ को सही में दिखाना चाहते हैं तो हमारे पूरे जनता के तरफ से क्या बोलिए आप लोग, जांच होना चाहिए ना। बिना जांच हुए यहाँ किसी तरह का प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होगी, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो आंदोलन करना होगा। मैं पूर्ण रूपेण इन लोगों के साथ हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लाश उठने यहाँ से नहीं देंगे। क्या अंदेशा लगा रहा है बच्ची के साथ? बच्ची के साथ किसी ने सातिर जो बलात्कारी होते हैं वो सातिर बलात्कारी इसका बलात्कार करके और इसका गला दबा करके इसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची कहाँ पे पूजा देखने आई थी? बच्ची यहाँ बस पीछे में दुर्गा मंदिर है वहीं आई थी और वहाँ से उसके बाद थोड़ा भीड़ था, उसके बाद से वो नहीं मिल रही है। और कोई मंदिर और जहाँ उसका लाश मिला है मुश्किल से 200-300 फीट का दूरी है। इसलिए ये जो भी काम किया है
उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए और जब तक न्याय ऑन दी स्पॉट यहाँ पे नहीं मिलता है हम लोग लाश यहाँ से नहीं उठने। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार और मुखिया पति हम हैं बिशंभरपुर पंचायत के। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।